अग्रवाल अस्पताल की ओर से बिना ऑपरेशन किए एक मरीज का कामयाब इलाज कर उसकी जान बचाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मनीष कुमार नामक व्यक्ति एक हफ्ते पहले अग्रवाल अस्पताल खून की उल्टियां और आंतड़ियों की ब्लॉकेज के कारण दाखिल हुआ था, जिसे 5 अस्पतालों ने पहले ही जवाब दे दिया था। इसके बाद अग्रवाल अस्पताल ने डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने बिना ऑपरेशन के दवाइयों तथा इंजेक्शन के सहारे उक्त मरीज को ठीक किया। इसमें भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल और उनकी टीम में शामिल डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, डॉक्टर हरदीप सिंह, डॉक्टर जीएस सिद्धू और सभी स्टाफ सदस्यों का साथ रहा। वहीं मरीज ने अपने इलाज के दौरान डॉक्टर्स की मेहनत, उपचार व देखरेख को बयां करते हुए भावुक होते हुए अग्रवाल अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व स्टाफ सदस्यों का धन्यवाद किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मनीष सोनकर, ते तो की प्रॉब्लम आ गई सी कि तुसी अग्रवाल हॉस्पिटल आए? मेरे पेट दी विच प्रॉब्लम सी, मैनूं लैटरिंग उल्टी लगी सी। मैं 7 महीने तो कुछ भी नहीं खादा हुआ, तो मैं 4-5 हॉस्पिटल घूमाया, तो मैं हूँ अग्रवाल हॉस्पिटल आया। बगैर ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब ने मैनू खाना पीना शुरू कराया। मैं सारिआं नूं बेनती करांगा कि अग्रवाल हॉस्पिटल विजिट करो। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नवीन शर्मा, SMO इन अग्रवाल हॉस्पिटल। मैं पिछले 5-6 साल तो डॉक्टर मनीष अग्रवाल के नाल काम कर रहा है। तो ये साढ़े को एक अज बड़ा क्रिटिकल जहा केस आया सीगा हफ्ता एक पहले। इन्हों का सब एक्यूट इंटेस्टाइन ऑब्सेक्शन हो गई सी, मतलब जिन्हों देसी भाषा च कह लिए कि आंतड़ियाँ टोटली ब्लॉक हो गई सी, कुछ भी गैस नहीं पास हो रही सी, पॉटी नहीं आ रही सी, तो पेशेंट ब्लड वॉमिट कर रहा है, खून की उल्टियाँ, GI ब्लीड भी नाल हो गया सी, खून की उल्टियाँ पेशेंट मार रहा है, तो कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक, अनएबल टू वॉक, चलिया भी नहीं जा रहा है पेशेंट तो, प्रॉपर पानी पूनी भी नहीं पी रहे थे। तो ये पहले 3-4 हॉस्पिटलों च गए, सब ने किसी ने कहता तो ठीक नहीं हो गए, किसी ने कहा कि तुहाडा खोल के ऑपरेशन करके जो है वो किया जाएगा, बट ये इन्नी अफोर्डिंग नहीं है, पेशेंट इन्ना अफोर्डिंग नहीं है। दैट्स वाई असी जो है बगैर ऑपरेशन दे, बगैर आंतड़ी नू चीरा दिते, बगैर आंतड़ी नू कुछ किते, असी सिंपल मेडिसिन ते इंजैक्शन दे नाल ही जो है वो इन्हां दी आंतड़ी खोली है। हुण पेशेंट जो है इन्हां नू 2-3 यूनिटां ब्लड दियां भी चढ़िया सी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो गया सी, खून दी उल्टियां आन करके वो भी सारा ठीक करता, जितों ब्लड आ रहा सी वो भी सारा बंद हो गया। राइट नाउ जो है पेशेंट प्रॉपर नॉर्मल डाइट लै रहा है, सब कुछ खा पी रहा, स्टूल पास कर रहा है, गैस पास कर रहा है, अपने आप वॉक भी करता है पेशेंट, पॉटी वगैरह करन, वॉशरूम वगैरह जो है वो खुद जाता है। तो ये सब कुछ असी कुछ नहीं है जी, ये सब कुछ जो है जनता की बदौलत होया, दैनिक सवेरा दे करके सानू इन्ना प्यार मिले। देखो मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, साढ़ा अग्रवाल हॉस्पिटल JP Nagar जलंधर, तो 10 साल तो चला रहे हैं। जो पेशेंट मनीष है, एक्चुअली मनो कि जो सा पहले ये रिश्तेदार मेरे को बूटा लेके आए थे, वो कहते सा पेशेंट घर है, पर जीन की सारी जी उम्मीद है छड़ चुके हैं। मैं की गल हो गई? कहते सू 4-5 हॉस्पिटल जाए हैं, सब ने सू जवाब दिता, पर इलाज भी कराया, बट वो कहते हूँ इन्हें नहीं बचना। मैं क्या प्रॉब्लम की है? कहते पेट फुल है, उल्टियाँ आई जाए, 1.5-2 महीने हो गए खादा कुछ नहीं, बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है, तो सू कोई उम्मीद नहीं है। तुम रिपोर्टा देखो, जो तुम लगता ठीक हो सकता अस थोड़े को लैके आने, तो मैं रिपोर्टा देखिए, मैं कोई लैके आओ आप इलाज करा। तो कहें कि भी सू खर्चे, मैं खर्चे की कोई गल नहीं, जिन्हें भी दे देना, पैसे की कोई गल नहीं। तो मैं क्या शायद इस पेशेंट को कई बार ऑपरेशन की भी लड़ पैंती है, कहते कोई नहीं डॉक्टर साहब, जो लड़ पे तुम्हें कर भी देना। तो पेशेंट साढ़े को आया, जो साढ़े को आया सू पता लगे नाल ही पिछले 2-3 दिनों तो खून की उल्टियां भी आ रही, खून सिर्फ 5-6 ग्राम रह गया, तो यह पेट भी फुलिया, उल्टियां भी आई जी, उपर खून की उल्टियां आनियाँ शुरू हो गई। साढ़े को जब आया तो BP बड़ा घट सी, किडनियाँ रुक गई, सह चढ़ना शुरू हो गया, ऑक्सीजन लगानी पी सू, तो सू भी लगता कि बहुत सीरीयस है, शायद ना बचे, बट साढ़े पूरी अग्रवाल हॉस्पिटल की टीम ने, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर हरदीप, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर सिद्धू, सारे के नाल मेरे मिसेज है, डॉक्टर सुची अग्रवाल जो अपने क्रिटिकल केयर स्पैशलिस्ट, सब ने पूरा जोर लाया। तो अज घट्टो घट हफ्ते बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, हूँ इन्हें खाना भी शुरू करता, तो ब्लीडिंग भी बंद हो गई, सानू शुरू 2-3 बोतलों खून की चढ़ानी पई हैं, खून बिल्कुल, खून भी यदा पूरा हो गया, यदि कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो अज इन्हें खाना शुरू करता। सबसे बड़ी गल यह है कि जो असं सोचते ऑपरेशन की लड़ पेगी, उन्होंने ऑपरेशन की लड़ नहीं पी, आप CT scan दोबारा कराया, तो कहते डॉक्टर साहब जो रस्ता अंदर बंद हो गया, खुलना शुरू हो गया।